रफ्तार मीडिया के खबर का असर एक बार फिर हुआ है। बता दें कि अब पतरातू रेलवे ओवर ब्रिज 64 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से बनाई जाएगी, जिसकी निविदा रेलवे महेंद्र घाट पटना से जारी किया गया है। रफ्तार मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पतरातू रेलवे फाटक का हर 15 मिनट में बंद होने से समस्या विकराल हो गई थी। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो पिछले कई दशक से चला आ रहा था। खबर चलने के बाद, रफ्तार मीडिया पर खबर चलने के बाद, सांसद जयंत सिन्हा की पहल पर यह मुद्दा, इस मुद्दे को उठाए जल्दी से जल्द खत्म करने का प्रयास किया गया है, जिसके बाद वहां रह रहे लोगों ने सांसद और रफ्तार मीडिया को धन्यवाद कहा। जो हमारे वित्त मंत्री जी रहे थे और उनका ध्यान देते हुए हम लोग को सभी ग्रामीण को सुविधाजनक किए, और रफ्तार मीडिया इसमें बहुत बहुत प्रयास कर रहे हैं, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो ये न्यूज जनता के बीच में ले जाते हैं मांगों को। और ओवर ब्रिज जो हम लोगों का बन रहा रेलवे फाटक पतरातू क्रॉसिंग पे, इसके लिए जयंत सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ के जनताओं को दुख दर्द को वो समझे इसके लिए।